नागपुर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने जनता कर्फ्यू लगाने की मांग की थी। उसके बाद महापौर संदीप जोशी ने शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को शहर के अधिकांश बाजारों में दुकानें बंद रही। मुख्य बाजार की दुकानें ताला भटकता रहा। हालांकि अंदरूनी बस्तियों में किराना, सब्जी और फल व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थी। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखी, पर शनिवार की तुलना में कुछ कम थी, क्योंकि रविवार होने से अधिकांश निजी व सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं। शहर में अधिकांश बाजार भी संडे के दिन बंद रहते हैं। इस वजह से रविवार को जनता कर्फ्यू का कुछ असर दिखा। कुछ मिलाकर जनता का मिलाजुला समर्थन जनता कर्फ्यू को मिला। उल्लेखनीय है कि महापौर ने घोषणा की थी कि सितंबर के बचे हुए दिनों में हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगेगा। इसके अनुसार अब 26 और 27 सितंबर को भी जनता कर्फ्यू लगेगा। उसके बाद इसकी समीक्षा होगी कि फिर से जनता कर्फ्यू लगाना है या नहीं। मार्च और जुलाई में जिस तरीके से लोगों ने जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया, उस तरीके से इस बार कर्फ्यू को जनता ने समर्थन नहीं दिया। हालांकि व्यापारी संगठनों के समर्थन की वजह से मुख्य बाजार बंद रहे। इसके पहले जनता कर्फ्यू के दौरान पुलिस हर चौराहा व मुख्य मार्गों पर नजर आई थी, लेकिन इस बार दो दिन के जनता कर्फ्यू में पुलिस की सक्रिय नजर नहीं आई। शनिवार को तो कई चौराहों से यातायात पुलिस कर्मी नदारद थे, लेकिन आज मास्क व हेलमेट की कार्रवाई करते कुछ चौराहों पर पुलिस कर्मी नजर आए। मनपा भी कर्फ्यू में सक्रिय नहीं दिखी। इस तरह ऐच्छिक करने और बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा किए जाने से अंदरूनी बस्तियों में कर्फ्यू का असर नहीं दिखा। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।